Pronto, agora. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम आपको 25 किलो चिकन कोरमा बना के दिखाएंगे तथा हम उसमें क्या क्या मसाले यूज करेंगे वो हम आपको पूरा शेयर करेंगे। आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे तथा वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो फिर हम चिकन कोरमा की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये अपना 25 किलो चिकन हो गया बच्चों के लिए, तो फ्रेश प्याज हो गया 7 किलो, ये मसाला हो गया है लहसुन पेस्ट हो गया है, गरम मसाला हो गया है, हरा धनिया हो गया है, ये तेल और ये घी। ओके ठीक है, और अपन डालते हैं इसमें ऑयल, चंबल फ्रेश हो गया, अपने कितना किलो ऑयल, अपन इसमें 3 लीटर ऑयल और 1 लीटर ये देसी घी डालेंगे। घी डालेंगे, घी भी अभी डाल दें, देसी घी और ये डल गया दोस्तों 1 लीटर घी गर्म हुआ है ना, अमूल वाला घी ले रहे हैं। हमने जो आपको गर्म मसाले दिखाए थे वो सारे गर्म मसाले अब हम इसके अंदर डाल देंगे। गरम मसाले के बाद प्याज डाल दिया, तो मैं देख सकता हूँ धीरे धीरे प्याज एकदम कैरमलाइज हो गए और राइस एकदम शानदार तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं धीरे धीरे अब ना, और थोड़ा और करेंगे अभी इसको गोल्डन ब्राउन को ताकि इस पर कच्चा बन नहीं रहे, और फिर देखो धीरे 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 बनता है एक नंबर माल अपना। अब हम 25 किलो चिकन के लिए मसाला तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। ये अपन इसमें डालेंगे 100 चम्मच 100 चम्मच 100 चम्मच मिर्च डालेंगे इसमें। देखिए अपन 25 किलो में 25 चम्मच ये अपन डालेंगे, हाँ ये डालेंगे 75 चम्मच 25 चम्मच डालो। अभी आधे घंटे के अंदर ये हो जाएगा सेट मामला इसमें बबली सुपारी, आधे घंटे वेट करेंगे, हाँ ये बिक जाएगा। अपन इसके अंदर मसाला डालते हैं और इसको अपन अच्छे से पकाएंगे 20 मिनट धीरे धीरे हम आज के अंदर, ताकि ये आराम से अच्छे तरीके से पक जाए। हमारा 25 किलो चिकन आ चुका है, देखिए आप बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल क्लीन है, तो हम अब इसे डालते हैं। तो गाइस ये चिकन आ गया है, बना जी उठ रहा है कि नहीं, और जोर आ रहा है, थोड़ा आराम से ही डालना पड़ेगा, आराम से डालो छींटे नहीं लगे, हाँ लंबे तरीना जी। गाइस मसाला एकदम बढ़िया पक चुका है, ये देख रहे हो आप, डाल दो बना जी। तो पूरा 25 किलो चिकन आ गया कढ़ाई में, लौंगे में, भगोने में, वैसे पूरा 25 किलो चिकन भगोने में डाल दिया है। और ये देखिए मसाला यार,
अब लग रहा है। दादा जी कैसा लगा मसाला? मसाला जोरदार। आप बताओ आज तो आग क्या शानदार लग रहा है यार मसाला। दोनों है जिंजर गार्लिक गार्लिक ओनली गार्लिक ओनली गार्लिक गाइस एंड में गार्लिक डालने का रीजन किसी जो गार्लिक की है तो देना हर पीस में आ जाती है मज़ा आ जाता है उससे। अगर आप गार्लिक लगा रहे हो तो इस तरह से बना के देखने चिकन का ठंडा पड़ा था ना बिल्कुल इसलिए हीट होने में टाइम लग रहा है उसको। क्वांटिटी भी तो है क्वांटिटी भी है यार। रेट 25 किलो चिकन है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया। देख लो इसकी रंगत निकल के बाहर आ रही है और अभी तक इसमें एक बूंद भी पानी अपने टच नहीं कराया है, एक बूंद भी। और जो चिकन के अंदर जो इसका पानी होता है चिकन का ही पानी आ रहा है बाहर। फिर कितना टाइम और लगेगा बनने में? इसको बनने में अब लगेगी 15 से 20 मिनट क्योंकि कम आंच के अंदर इसको पका रहे हैं अपन और टाइम तो लगता ही है बाबा। तो कहते हैं चिकन को 15 मिनट लगती है बनने में, कितना चिकन को 15-20 मिनट पक जाता है लेकिन पकाने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना धीरे कम गैस के ऊपर तो स्लो फ्लेम स्लो गैस पे मज़ा अलग आएगा। देखो कितना पानी लग रहा है इसमें है। एक बूंद पानी नहीं डाला हुआ तक। आप संगत बताओ चिकन की मज़ेदार लग रहा है कि नहीं? बना चिकन जो होता है ना बना चिकन लेकिन सूखा सूखा वाला अभी तो वो वाली चीज़ है बट अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हल्का। A few minutes later. अपन इसमें धनिया डालते हैं ताकि वो ग्रेवी के साथ में बढ़िया फ्लेवर दे और इसमें फ्रेशनेस फ्रेशनेस आ जाए। फ्रेशनेस तो इसमें आएगी वैसे। और
ये बड़ा 25 किलो चिकन बन के हो गया है तैयार। ठीक है,